Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. I hope you are all fine. Dear students, today we are going to discuss periodic table and chemical bonding. And it will be the lecture number 7 of chapter periodic classification of elements. So students, periodic table ke baare mein humne previous lectures mein bhi discuss kiya hai. Modern periodic table bhi humne discuss kiya hai. To aaj hum isme पीरियाडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ए बॉन्ड. व्हाट इज ए बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, इसको केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन ए कंपाउंड, उसको बॉन्ड कहते हैं. यानी ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे एटम्स या आयन्स या मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड में होल्ड रहते हैं, टुगेदर होल्ड रहते हैं, बंद रहते हैं, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज केमिकल बॉन्ड. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि ये बॉन्ड क्या होता है. ये देखिए H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर आप इसको मतलब बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट करोगे, तो देखिए ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये जो सिंगल लाइन आप देख रहे हैं इसी को बॉन्ड कहते हैं, इसी को बॉन्ड कहते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बॉन्ड दिस हाइड्रोजन एटम्स रिमेन हेल्ड टूगेदर, तो इसी को बॉन्ड कहते हैं और इसी को केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं. इसी तरह से क्लोरिन अगर आप देखोगे Cl2, इसमें अगर आप देखोगे तो बॉन्ड ये है सिंगल बॉन्ड Cl, तो दिस Cl एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस बॉन्ड एंड दिस इज ए क्लोरीन मॉलिक्यूल. दिस इज ए क्लोरीन मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल ये है. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से वाटर में मीथेन में CH4 मीथेन की फॉर्मूला है, H2O वाटर की है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की है. तो इसके बगैर बहुत सारे कंपाउंड जिनमें मतलब बॉन्ड एग्जिस्ट होता है. तो व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल एटम्स एंड आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तो स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड होता है इसके कुछ टाइप्स हैं. एक होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड. तो जब एक मेटल रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्ट होता है, कंबाइन होता है किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है. देयर ऑकर्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल एंड द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड. नाउ व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल, उस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन पीरियडिक टेबल metals are placed on the left side and non-metals are placed on the right side. ये जो modern periodic table है उसमें metals left side पे है और जो non-metals है वो right side है. So when element from left side reacts with element on right side, ionic bond is formed. तो इसका मतलब है कि जब elements वो react करेंगे, जो left side elements होंगे वो राइट साइड वाले एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो आयोनिक बॉन्ड वहां पे बनता है. क्योंकि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, और राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, वो नॉन मेटल्स हैं. तो मेटल और नॉन मेटल जब बॉन्ड बनाता है वहां पे आयोनिक बॉन्ड बनता है. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये यहाँ ये लेफ्ट साइड जो आप एलिमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल. यहाँ जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं ये राइट साइड, ये सारे नॉन मेटल्स. अब ये वाले एलिमेंट जब इन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो वहां पे आयोनिक बॉन्ड बनता है. क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड. यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूंगा. यहाँ पे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसकी 2.8.1. इसी तरह से क्लोरीन हम लेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसका इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8.7.
यहाँ पे जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम टू क्लोरीन, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन में ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, ये डॉट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन जाता है, तो क्लोरीन को अब 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इससे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, क्लोरीन गेन करता है, तो सोडियम को पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज आता है, तो अब बॉन्ड जो यहाँ पे बनता है सोडियम क्लोराइड में वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, व्हेन एलिमेंट फ्रॉम राइट साइड कंबाइन्स विद अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम साइड, जो एलिमेंट्स राइट साइड में है पीरियोडिक टेबल में, अगर वो आपस में रिएक्ट होते हैं तो वहां पे एक बॉन्ड बनता है जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, यहाँ पे लॉस है गेन नहीं होता है, बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। द बॉन्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज फॉर्मड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयरिंग करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस हाइड्रोजन को भी दे, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको भी, तो ये शेयरिंग होता है, तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो बनता है शेयरिंग से, उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, व्हेन एवर टू एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 कंबाइन टुगेदर, देन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्मड। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, किस ग्रुप के 14, 15, 16 और 17 के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाए, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये सारे इन एलिमेंट्स के जो इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स हैं, तो वो नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट होके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया है, ये पीरियडिक क्लासिफिकेशन, ये है केमिकल बॉन्डिंग और पीरियडिक टेबल के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।